नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये एचपी का लैपटॉप है और एचपी का इस लैपटॉप को ऑन करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कैप्स लॉक। आप लोग देखिए ये लैपटॉप जो कि ऑन हो गया और कैप्स लॉक जो है कि ब्लिंक कर रहा है। ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है ये प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं कि कैसे फिक्स करेंगे। तो जनरली अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट जो करना चाहिए वो आज हम आप लोग को जो है कि यहाँ पे इस वीडियो पे दिखाने वाला है। सबसे पहले क्या करना होगा, अगर सपोज आपका इस टाइप का लैपटॉप है और आपका इस टाइप का कैप्स लॉक ब्लिंकिंग कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ बताने वाले हैं आज इस वीडियो पे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा और क्या करने से होगा। तो फर्स्टली जो है कि लैपटॉप को जो है कि सेट डाउन कर दीजिए फ्रेंड्स। सेट डाउन करने के बाद इसको जो आप लोग मतलब अपने से जो कर सकते हैं इसको पहले करके देखना होगा। देख सकते हैं बैक साइड में जो है कि इसका रैम का जो है कि कवर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दो स्क्रू यहाँ पर जो है कि निकालने के बाद ये जो है स्क्रू दोनों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो है कि इस जो फ्लैप है इस कवर को जो है कि निकालती है रैम कवर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ रैम कवर को निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रैम एंड एसएसडी दोनों ही यहाँ पे इस कवर से मिल जाएगा। तो यहाँ जो सबसे फास्ट जो करना चाहिए फ्रेंड्स जो कि रैम का जो स्लॉट है फ्रेंड्स, स्लॉट एक बार देखिए यहाँ पे दो स्लॉट दिख रहा है तो रैम को निकाल के दूसरा स्लॉट में एक बार डाल के हम लोग यहाँ पे जो है कि देखेंगे। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है फ्रेंड्स तो जो है कि नेक्स्ट स्टेप जो है कि इसका एसएसडी जो है एसएसडी को भी एक बार निकाल के जो है कि देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि इसको एसएसडी को भी डिटैच कर देते हैं पहले, ठीक है। जो एसएसडी यहां पर लगा हुआ था उसको भी मैंने यहां पर जो है कि निकाल देते हैं। देखिए ये एसएसडी है इसमें, ठीक है, रैम को स्लॉट चेंज किया और एसएसडी को भी निकाल दिया। उसके बाद एक बार जो है कि लैपटॉप को ऑन करके फ्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आपका मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है, आपको जो है कि सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट करना होगा जो चीप लेवल पे रिपेयर करता है, जनरली आईसी का प्रॉब्लम से हो सकता है। तो चलिए ऑन करके एक बार देख लेते हैं रैम स्लॉट चेंज करने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लैपटॉप ऑन कर दिया, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं रैम स्लॉट चेंज करने के बाद भी सेम ब्लिंक कर रहा है जैसे पहले ब्लिंक कर रहा था, सेम कोई चेंजेस नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, इसको जो है कि बायोस रिलेटेड भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपको जो कि सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसे लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नया वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।